हेलो। अरे जेसन भाई यार, कहाँ रह गए तुम यार? अरे दो दो हफ्ते से आगे आगे करे जा रहे हो यार। आ जाओ भाई जल्दी यार। ठीक है चलो, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है चलो जी, आज की मीटिंग तो हो गई डन। जेसन भाई आ रहे हैं, जेसन शाह। सो दोस्तों, वेलकम टू लाफ्टर कुकिंग। तो आप जैसा कि देख रहे हो यार, मैं जेसन भाई के बारे में डिटेल्स निकाल रहा हूँ कि जेसन भाई So I'm trying to bring some खुशी into this house क्योंकि ये सामने ज्यादा negativity चल रहा है। तो बस तो जेसन भाई के बारे में थोड़ी सी जान पहचान निकाल रहा हूँ कि जेसन भाई ने बहुत सारा काम किया हुआ है यार। ला बिग बॉस किया हुआ है, इतने सारे कमर्शियल्स किए हुए हैं, फितूर मूवी की हुई है, और पार्टनर भाई कंफ्यूज कर रखा है। इतना सारा काम कहाँ तक बताऊं मैं तुम लोगों को, क्या क्या किया हुआ है। तो यार जेसन भाई को बुला ही लेते हैं यार, मिलवा लेते हैं। तो लेट्स किचन रेडी कर लेता हूं और फटाफट से उसके बाद हम जेसन भाई को बुलाते हैं। चलो चाहते हैं जेसन किचन में। वेलकम है जेसन पाजीदा। ये आज किचन में भी घुस गए। अरे जला दिया। वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले जेसन भाई की हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा और उनसे पूछा जाएगा वो क्या खाएंगे। तो जेसन भाई क्या खाना पसंद करेंगे आप हमारे ग्रीन की किचन में? आज मुझे एक सैंडविच चाहिए, सिंपल इजी क्विक सैंडविच। तो भाई लोग सैंडविच के साथ साथ तो इनकी डिमांड है, मैं एक कॉकटेल ड्रिंक इनके लिए अपनी तरफ से बनाऊंगा। आज मैं सिखा रहा तुमको ना चिकन क्लब सैंडविच। जैसे भाई सही रहेगा, चिकन क्लब सैंडविच चीज लगा के। हाँ मुर्गी तो भाई देखो, ये देखो आज मैं तुमको एक नई तरीके का चिकन सैंडविच भी सिखाता हूँ, और साइड बाय साइड गुफ्तगू चलेगी। एक पैन ले लेना ऐसा यार, जूम करके दिखा दो जरा। ये तो स्विच खराब है, दूसरे स्विच में लगा दूंगा, मेरे पास दूसरा भी स्विच है। ये गरम पैन को गरम कर लो धीरे धीरे करके। अरे आपने आप हो जाएगा, अपने को क्या टेंशन है, कैसे लगा दिया होता रहेगा और जब होएगा यार। देखो इंग्रेडिएंट्स जैसा भाई को भी मैं सिखा रहा हूँ साइड बाय साइड, ताकि ये इतना ईजी है, कभी बनाना होगा घर पे आप भी इजीली बना लेना और हमारे जेसन भाई भी इजीली बना ले। घर पे तो बनाते होंगे यार जेसन भाई खाना वाना, थोड़ा बहुत तो बनाते हो ना, ऐसा तो नहीं कि सारा टाइम ऑर्डर करके खाते हो। नहीं 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 ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत सीखा है बचपन से। देखिए यार, हर इंसान बनाता है अपने लिए, और अपने खाने की जो खुशी होती है ना हाथ से जो बनाते हैं वो अलग ही होती है। देखो चिकन ये जो सैंडविच है बनाना, ये बहुत ही आसान है यार। इसके लिए कुछ नहीं करना, एक पैन लेना, पैन में हल्का सा बिल्कुल एक स्पून ऑलिव ऑयल डाल दिया मैंने एक्स्ट्रा वर्जन, ठीक है। और चिकन लग रहा है कि वो दो स्पून लग रही है। ना ना ना, एक ही स्पून है एक्स्ट्रा। ये पहले से बाजार में बना बनाया मिलता है, ये ले लेना, रिंस कर लिया, ठीक है। जैसे ये ऑयल गर्म हुआ हल्का सा, अभी और थोड़ा सा हो जाएगा तो हम ये चिकन इसमें पकने के लिए डाल देंगे। धीरे से बिल्कुल लाइट रहे, ये डाल दिया और ये भी डाल दिया, जितना चाहिए उतना डाल दो। मैंने ये 250 ग्राम दिया है, 250 ग्राम। ये भी डाल दीजिए सर यार, सारा ही बना दो बचा के जा, हमने का घर ले जाना, जेसन भाई के लिए मंगाया है, इनको पका के खिलाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। ये लाइक ऐसे इसको इसको ना ऐसे रोस्ट करते हुए लाइक 7-8 मिनट से लगेगा रोस्ट करते हुए। रेस्ट बस अभी बढ़ा देंगे, पक गया चिकन, इसका पानी सारा निकल गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये निकलने के बाद इसको एक एक्स्ट्रा बोल में ले लो, ठीक है। एंड देन इसमें मिक्स करो मेयोनीज, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और वैसे भी मैं मेरी मेयोनीज इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कैलरीज वाली आजकल, वैसे भी ये जो सॉसेज वगैरह ना इतनी ज़्यादा आ भी नहीं रही है मार्केट में, लाइक इट्स वेरी गुड यू नो, अच्छी कैलरीज के साथ दे रहे हैं बहुत, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखते हैं थोड़ा बहुत, लाइक डेलमोंड ऑलिव ऑयल बना रहा है, अच्छा एक्स्ट्रा वर्जिन निकाल रहा है, और ये सॉस भी इतनी अमेजिंग अमेजिंग निकाल रहा है।
तो ये इसमें मैंने डाला थोड़ा सा मेयोनेज, और मेयोनेज के साथ मैं इसमें डाल दूंगा हल्का सा ब्लैक पेपर, आई थिंक ब्लैक पेपर, थोड़ा सा फ्लेवर और चेंज करते हैं। कौन राक्षस आ रहे हैं हमारी किचन में आ रहे हैं? ये लाइक दिस, इसको मिक्स कर लेना है ऐसे दैट। ये एक टोस्टर में ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा देर तक के लिए गर्म हो जाएगा मेरा। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये चिकन इस पर स्प्रेड कर लेते हैं, यस परफेक्टली लाइक स्प्रेड किया चिकन इसमें। और दो ब्रेड पे करना है, तीन पे नहीं करना, दो पे करना है, बिकॉज हम थ्री लेयर्स का ये नॉनवेज बनाने जा रहे हैं, ठीक है, बंद कर दीजिए। सो ये दोनों ब्रेड पे स्प्रेड करने के बाद लाइक देन आफ्टर दिस दिस एंड देन वन मोर लेयर लाइक दिस, और इसके ऊपर ये लगाना है बंद कर दो अनियन। आफ्टर अनियन, अनियन ब्रेड के ऊपर पहले दिस ब्रेड, देन चिकन, देन ब्रेड, देन अनियन, एंड आफ्टर दैट टमेटोज। एलोपिनोज आज मेरे पास नहीं है तो मैं बिना एलोपिनोज का भी बना दूंगा टमेटोज, और सिर्फ ये ककड़ी डाल दूंगा, ककड़ी, क्योंकि ये क्लब सैंडविच है, क्लब सैंडविच में ये चीज़ें भी डलती है यार, ब्रो तुमको तो पता नहीं है ये डलती पता नहीं। जैसे मैं चीज़ कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता है, चीज़ खतरनाक चीज़ होती है, नहीं हर रोज़ नहीं यार, हर रोज़ मत खाना यार, कभी कभार, कभी कभी ऐसे कोई मेहमान नवाज ही बताऊँ, कभी किसी के घर में आ गया और वो दिल से बना रहे मैंने ये तो चीज़ तो खाना बनता है, चीज़ तो खाना बनता है। जैसन भाई बहुत ही सीधा है यार, हैंडसम पर्सनैलिटी है यार, जियो, ये जियो मेरे लाल, ये हमारा रेडी हो चुका है क्लब सैंडविच, इसको मैं लगा दूंगा इसमें, मैन क्लब सैंडविच बनेगा ताबड़तोड़। पंजे ये लगा के इसमें 5 to 7 minutes के लिए रख देना, नॉट 5 लाइक 2-3 minutes, क्योंकि ऑलरेडी प्री हीटेड है। सो जब तक हमारा सैंडविच बनेगा, इस खूबसूरत इंसान को जरा देख लो, इनकी बहुत खतरनाक फैन फॉलोइंग है, इनके रहते तो तुम्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस गाइस, ऑलराइट, दिस गाइस आर ऑसम। जब तक सैंडविच बन रहा है तब तक मैं जेसन भाई के लिए कूल सा गर्मियों के मतलब का एक ड्रिंक बना देता हूँ, इसको कुछ दो दे, इसको बाबा यहाँ से बार बार मारते आता पता नहीं आ रही है। Listen guys, छोड़ दो उनको यार, क्या तुम ऑडियंस उनको देखती रहती है यार, ये पागल बंदा यार, ये इधर इधर तुम डिश देखो यार, थोड़ा सा सॉल्ट लो इसमें, बिल्कुल जरा सा लाइक दिस, और बस इतना सा सॉल्ट लेना, एंड 2-3 drops ऑफ दिस लेमन। ये बड़ा कूल सा ड्रिंक है, इसका कोई नाम वाम नहीं है यार, ये मैंने ऐसे ही बनाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने इसका ट्रायल करा दिया, ट्रायल में ये लोगों को बहुत पसंद आ गया। एंड दिस, इसमें थोड़ा सा गुआवा जूस डाल दो, गुआवा जूस बहुत ही कमाल का होता है यार। इसके बाद इसमें कुछ आइस क्यूब डाल दो, ये बन गया ड्रिंक, अमेजिंग सा ये लो। अगर आप लोगों के पास टबेस्को हो तो जिसको थोड़ा सा स्पाइसी ड्रिंक पसंद है वो टबेस्को डाल देना, ये मेरा ड्रिंक तो बन गया है, मेरा सैंडविच भी ऑलमोस्ट बन ही चुका होगा, नहीं अभी थोड़ा सा बाकी है। जैसन भाई आपको ड्रिंक टेस्ट करके बताएंगे कल एक क्या बनाना, कोई खास इसमें डाला नहीं है बट प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा डाला है, बहुत टेस्टी है, सही है ना गर्मियों के लिए जैसन भाई, लिप सॉल्टी है ना, थोड़ा गुआवा जूस, और इससे तुमको वो दूसरा वाला आइटम डालना हो वो भी डाल लेना, टिका लेना कभी कभी, ये शाम को बहुत है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सैंडविच देख लो जरा मेरा रेडी है कि नहीं है, नहीं अभी चीज मेरा मेल्ट नहीं हुआ, थोड़ा सा और मेल्ट हो जाने दो यार, थोड़ा सा और मेल्ट हो जाएगा। तो भाई वीडियो देखते रहना, बनाते रहना, लेकिन मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब तो बड़े बड़े लोग भी आ गए हैं शो में, इतने अच्छे अच्छे हैंडसम हैंडसम लोग आ रहे हैं, आप भी लाइक नहीं करोगे तो कब करोगे फिर? माय सैंडविच इज रेडी, और हम उसको निकाल के जेसन भाई को टेस्ट कराते हैं जरा कैसा बना है हमारा सैंडविच। सी द कलर, तो लाइक इतनी देर, ये तुम्हारा 4-5 minutes में ऑलमोस्ट डन हो जाएगा इतना, एंड देन उसके बाद ये निकालो निकालो खा लो और घर चले जाओ अपने। उसके बाद क्या है, ये कट कर लो इसको, हो गई और
सैंडविच रेडी, खाओ फ्राई करो मजा करो। Superb guys, enjoy the sandwich. If I had three thumbs, it would be a three thumbs up. Awesome. दो हमारे ले लो। दो इनके ले लिए। Awesome. Ketchup दे दो इनको। Ketchup दे दो भाई। अरे मैं नहीं बनाऊंगा इनकी वीडियो आज के बाद। ब्राह्मण के सामने चिकन परोस दिया। कुछ वेज तो बनाया नहीं।